अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप लोगों के पास वीवो V30 मोबाइल है और आप इसके अंदर फ्री फायर खेलते हैं, लेकिन आप लोगों के शॉट नहीं लगते या लगने में ये तो बहुत कम लगते हैं, और आप भी कहते हैं कि इस मोबाइल के अंदर कितनी DPI रखे खेले इसके प्रोसेसर के हिसाब से कि मोबाइल लेग भी ना करे और हेड शॉट भी लगेंगे, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बताने वाला हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखना, और आप लोगों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोगों ने अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों ने अबाउट फोन में जाना है। अबाउट फोन में जाने के बाद आप लोगों ने मिनी वर्जन के ऑप्शन के ऊपर 3 से 4 बार टैप करना है। इससे आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। आप लोगों ने पहले ऑन करना है डेवलपर ऑप्शन को, तब यहाँ पर ये शो होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आएगा समालेट्स वे, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। इसको आप लोग जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस मोबाइल की ओरिजिनल DPI होगी। तो फ्रेंड्स, उसको काट कर इसके प्रोसेसर के हिसाब से 520 DPI इस मोबाइल के लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ना ही इससे कम DPI रखनी है और ना ही इससे ज़्यादा रखनी है। अगर आप लोग इससे कम या ज़्यादा DPI रखेंगे तो आप मोबाइल भी लैग करेगा और हीटअप भी करेगा।